Hello students, today we'll start from exercise 21C, question number 10. The surface area of a solid metallic sphere is 616, that is the total surface area. Now we know the formula of total surface area is 4 pi r square, which is equal to 616 centimeters. So we need to find the value of r from here. जैसे ही वो आर मिल जाएगा देन विल मेक द कंपैरिजन ऑफ द वॉल्यूम. सो वी विल से द वॉल्यूम ऑफ बिगर स्फीयर, ओके, दिस इज स्फीयर, इज इक्वल्स टू एन इनटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर स्फीयर. सो ये हमें करना रहेगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आर. How am I going to find the value of r? So, chalo, let us start and find the value of r. So, r find karna hai. So, we know 4, 22 by 7, r square is 616. So, r square will be 616 into 7 divided by 4 into 22. So, ye hum calculate kar lete hain. Okay. Let's see. How are we going to get that? We'll get 49. So simple, r square 49 है, तो r कितना आ जाएगा? 7 centimeters. So r 7 आ गया. अब हम कर सकते हैं आगे volume comparison. Volume of sphere, 4 by 3 pi r cube is equals to 4 by 3 pi r cube. Ye small r hai. Achha, we'll take this as capital R. So what we'll do? Everywhere we'll put this r as capital R. So it becomes easy. Now ye 4 by 3, 4 by 3 cut, pi and pi gone. So you are left with r cube is equals to n into small r cube. So your n will be r cube by r cube. So it's very simple. यहाँ 7 का क्यूब और उधर कितना है ये देखो, आपने देखा था इसका रेडियस दिया हुआ है 3.5 by 2. So that will become 1.75 or you can simply take 3.5 by 2 और उसका क्यूब कर दो. So you know 7 upon 3.5 और ये by 2 ऊपर चला जाएगा. I can take the whole cube. 1 जा 2 जा 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा 4 का क्यूब. तो 4 का क्यूब 4 4 16 16 4 64. सो वी कैन गेट दिस आंसर. ओके, नाउ द 11th वन. इसमें बोला है द स्फीयर इज कन्वर्टेड इनटू सिलेंडर. सो वेरी सिंपल, वी विल से वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. सो बताइए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4 बाय 3 पाई r cube and that of cylinder, so pi r square h. Hame h find karna hai. So first thing what we can cancel is pi and pi. So 4 by 3 r ka value, let me take this r as capital R. Wo hai 6 aur uska cube. Then small r. Small r kitna bola humko? Small r is 0.2. Uska square into h. Now just go ahead and solve this for h. ये h आपको find कर लेना है. Only calculation has to be done properly. 6 का cube यानी 216 आएगा, but फिर भी हम 666 लिख देते हैं. और यहाँ पे हम डाल देंगे 0.2 into 0.2. And then you go ahead and calculate the value of h. चलिए next. 12th वाला, 12th वाले में आपको दिया हुआ है. Hemisphere is converted into cone. So बहुत simple, volume comparison ही है ये भी. So volume of hemisphere is equals to volume of cone. Hemisphere का volume कितना हो जाएगा? Yeah.
सो वो हो जाएगा आपका 2/3 पाई R³ इज इक्वल्स टू पाई R² H/3। आई विल टेक दिस एज कैपिटल R। सो ये देखो π/3 π/3 कैंसिल हो गया, आपके पास बचा है R³ इज इक्वल्स टू R² H डिवाइडेड बाई 2 R³। तो हमने यहाँ ही रख दिए। और आप वी सपोज टू फाइंड, ओ वी आर सपोज टू फाइंड स्मॉल r। वेट, तो हम क्या करेंगे, वैल्यूज यही डालेंगे, 2 R³ मतलब 12 का क्यूब डाल देंगे, स्मॉल r को वहीं रहने देंगे और h मतलब 54। सो जस्ट गो अहेड एंड कैलकुलेट द वैल्यू। सो R² हो जाएगा 2 × 12 × 12 × 12 एंड डिवाइडेड बाई 54। सो जस्ट डू इट, कितना आएगा, 2 × 2 = 4, 14 × 7 = 27। सो 27 मतलब 3 का क्यूब 4 4 4 4 4 64, मतलब R विल बी 8 cm। वेरी सिंपल। तो नेक्स्ट वन इज इंटरेस्टिंग, 13। जिसमें बोला एक बड़ा स्फीयर है, उसको हमको 3 छोटे स्फीयर्स में कन्वर्ट कर देना है। सो हम क्या करेंगे, ये भी वॉल्यूम कंपैरिजन ही है। सो वॉल्यूम ऑफ द बिगर स्फीयर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 1 + वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 2 + वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 3। बड़े वाले का कितना होगा, 4/3 π R³। और इस काम ले लेंगे 4/3 π R³³, 4/3 π R³³, 4/3 π R³³। Now everywhere 4/3 π is common, R³³ + R²³ + R³³, and here as well 4/3 π common, so R का क्यूब। तो ये पूरा और ये पूरा कॉमन निकालने के बाद आप कैंसिल कर सकते हो। Now you will be left with R³ is equals to R³³ + R²³ + R³³। Now you have the values of R1, R2, R3, ये सारे वैल्यूज हैं आपके पास। अब डायग्राम में आप देखोगे, सो कैपिटल R इज 3 का क्यूब, स्मॉल R1 इज 2.5, उसका होल क्यूब ले लो। R2 की बात करें तो वो 2 का क्यूब है हमारा, और R3 का क्यूब हमें फाइंड करना है। सो जस्ट गो अहेड एंड डू द कैलकुलेशन, यू विल गेट योर आंसर्स। ओके, इसको करेंगे हम, तो देखो 27 और ये है ना 6.25, ऐसा कुछ नहीं, 6 नहीं 12.25 ऐसा कुछ आएगा। So in that way, and this will be 8. So just do it and get your answer. It's very simple. Now the fourth one, volume of hemisphere. इसमें हम देख सकते हैं 14th one, not fourth, 14th. इसमें हम बहुत आसानी से देख सकते हैं, simple. Volume of hemisphere, इसको हमको compare कर देना है, n into volume of cylinder. So volume of hemisphere 2/3 π R³ is equals to n into pi r square h। सारी वैल्यू है आपके पास में, आप देखोगे तो n आपको बहुत आसानी से मिल भी जाएगा। pi and pi getting cancel, 2/3 R³ n r square h। वैल्यूज इनपुट कर देंगे हम इसके अंदर। तो देखो अगर हम R को देखें तो ये हो जाएगा आपका 18 cm। सो 2/3 18 इसका क्यूब, n हमें फाइंड करना है। R कितना है हमारा, स्मॉल r 3, उसका स्क्वायर कर देंगे, और स्मॉल h कितना है, 6। सो जस्ट सिंपली डू द कैलकुलेशन, 2/3 18 को हम 3 बार ही लिख देंगे और डिवाइड कर देंगे, इधर से लाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3 का स्क्वायर है तो 3 × 3 2 बार आ जाएगा, और एक ये 6 आ जाएगा। यू आर लेफ्ट हियर नीड टू फाइंड व्हाट, सिंपली एन आपको फाइंड करना है। सो बस ये कर दो आप, देखो ये 3 6 = 18 3 6 = 18 एंड 3 6 = 18, 6 and 6 gone, 6 6 = 36 36 × 2 आई थिंक 72।
So you will get the answer as 72. Now, 15th one. This is an important one. देखो पहले ये पानी का लेवल यहाँ तक था, इसमें स्फीयर डाला मैंने तो पानी का लेवल इतना बढ़ जाएगा, तो ये पानी कितना इंक्रीज हो रहा है ये मुझे फाइंड करना है। अ वेसल ऑफ यू नो डायमीटर दिया होता 60, तो रेडियस हमने 30 ले लिया है। पार्टली फिल्ड अ स्फीयर ऑफ डायमीटर 36, डायमीटर 36 मतलब रेडियस कितना हो गया उसका 18 सेंटीमीटर, ये मैंने इसके अंदर डाला है, तो कितना वाटर का लेवल इंक्रीज होगा। नाउ लुक, हमको सिर्फ इतने ही वॉल्यूम से मतलब है, अगर आप अच्छे से देखोगे तो यहां से यहां तक जो इंक्रीज हुआ है, राइट? सो मैं बोलूंगा इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ वॉटर इज बिकॉज ऑफ द वॉल्यूम ऑफ व्हाट, स्फीयर। बस ये हमारे को ध्यान में रखना है। सो इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ वॉटर इन सिलेंडर, तो ये वॉल्यूम कहां इंक्रीज हो रहा है, सिलेंडर में हो रहा है। सो बहुत सिंपल है, पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यू। नाउ विल पुट इन द वैल्यूज, पाई और पाई पहले कैंसिल कर देते, आर है हमारा 30 तो उसका स्क्वायर कर देंगे, हाइट जो इंक्रीज हुआ है यही तो मुझे फाइंड करना है, एंड स्मॉल आर इज बीन गिवन। एक मिनट, स्मॉल आर से पहले ये डाल देते हैं, क्या था हमारा 4/3 एंड स्मॉल आर इज ऑलरेडी गिवन, ये है 18 तो इसका क्यूब है। नाउ यू हैव टू फाइंड एच फ्रॉम हियर, आई होप एवरीबॉडी ऑफ यू विल बी एबल टू डू इट। देखो इससे ही उल्टा एक सम और बताया कि भाई इसमें पहले अंदर स्फीयर था, अब बाहर निकाल दिया तो वॉल्यूम ऑफ वाटर ड्रॉप हो गया, तो कितनी हाइट से वाटर का वॉल्यूम ड्रॉप हो गया, वेरी सिंपल। सो वॉल्यूम ऑफ वाटर ड्रॉप इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ व्हाट, स्फीयर, वही आ गई ना बात वहां पे भी, तो वो हो जाएगा इसमें पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यू, तो यही हमें करना है। सो पाई एंड पाई कैंसिल, आर है आपके पास 12.5 द होल स्क्वायर, एंड वी नो कि कितना हाइट, यू नो लाइक एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। There is a water to height of 16 centimeter in the cylindrical jar of the radius 12.5. Inside the water, there is a sphere of 15 centimeter. Now, this dimensions have been given. Ye 15 centimeter ka diameter hai. So, 15/2. Yes, ka radius. Completely immersed. By what volume will the water go down when the sphere is removed? So, we need to find this height exactly. So, this is the height. Ye aapko confuse nahi hona hai. Wahan pe jo height diya hai 16, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है, सो यू डोंट हैव टू गेट कंफ्यूज विद दैट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड 4/3 पाई आर क्यूब, सो दिस आर स्मॉल आर, दिस इज योर स्मॉल आर, 15/2 मतलब 7.5 उसका क्यूब है। सो नाउ यू हैव टू फाइंड दिस एच, आई होप अभी ये सब तुम कर पाओगे अच्छे से। कैलकुलेशन पार्ट इज व्हाट यू हैव टू टेक केयर ऑफ, एवरीबॉडी इज गुड इनफ इन डूइंग दैट, इफ एनी प्रॉब्लम देन आई विल हेल्प यू। सेम ओवर हियर, यहाँ भी कंफ्यूज करने के लिए 20 सेंटीमीटर वाला किस्सा आपको दे दिया है, बस ये इंक्रीज जो हुआ यहाँ पर 6.75, हर क्वेश्चन से पहले पॉज करो, क्वेश्चन को रीड करो और फिर आगे करो। सो ये जो इंक्रीज इन वॉल्यूम है दैट इज बिकॉज ऑफ द स्फीयर, सो वी कैन फाइंड। सो बहुत सिंपल, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू व्हाट, राइज इन वॉल्यूम, विल से राइज इन वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल वेसल। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हम जानते हैं 4/3 पाई आर क्यूब विल बी पाई आर स्क्वायर एच, ये एच इस बार हमें दिया हुआ है, देखो ये एच इधर दिया है कि भाई इतना इंक्रीज हो गया, सो इट्स वेरी सिंपल, हमें फाइंड क्या करना है, इस बार इस आर को फाइंड करना है। चलो पाई एंड पाई कैंसिल, so you are left with 4/3 r cube is equals to r square, we make this as capital R, so ye hai 12 ka square aur height jo increase hui hai dekho 6.75, so bahut simple, aap jab r cube find karoge to 3 into 12 into 12 into 6.75 aur divide aap karoge 4 se karke yahan se aap iska r find kar lo। 18th वन, इसमें बोला है हमने यहाँ से यहाँ तक डाला है, वॉल्यूम इतना इंक्रीज हो चुका है, तो हमको क्या फाइंड करना है, या द नंबर ऑफ
लेड शॉट्स दैट हैव बीन ड्रॉप. सो 6 सेंटीमीटर का हमने डाला, ये देखो ये सारी चीजें हैं इसमें. सो हियर वी विल से हाउ यू नो वॉल्यूम दैट इज राइज इन वॉल्यूम इज इक्वल्स टू एन इनटू वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट्स. एन इनटू वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट्स करेंगे तो राइज इन वॉल्यूम कितना हुआ है आपका, सो वो सिलिंड्रिकल वेसल में हो रहा है. सो दैट विल बी पाई आर स्क्वायर एच, और इधर आएगा एन इंटू फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब, पाई एन पाई गॉन. सो आर इज आपका 9 का स्क्वायर, एच दिया हुआ है 40. देखो ये राइज इन वॉल्यूम इज 40. एन आपको फाइंड करना है 4 बाई 3, स्मॉल आर इज ऑलरेडी देयर, 6 का क्यूब है ये. तो जैसे ही आप 6 का क्यूब करोगे यू विल गेट इट. एंड देन द सिमिलर वे ये वाला भी है 19, और इसमें मगर ये बोला है जो वॉल्यूम ऑफ वाटर स्पिल आउट होगा जब हम स्फीयर्स को अंदर डालेंगे तो कुछ पानी बाहर निकलेगा. ये जो पानी बाहर निकला है सो वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर इज ऑलरेडी बीन गिवन एज 2 by 5 द वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल कोन ऐसा. सो हम क्या करेंगे, ये जो वॉल्यूम है 2/5 द वॉल्यूम ऑफ कोन विल मेक इट कंपेयर विद एन इन टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स, वो जो लेड शॉट्स हैं स्फीयर्स है उससे. सो देखो अब हम इसको फोकस में यहाँ ले आते हैं. सो 2 by 5 वॉल्यूम ऑफ कोन हम जानते हैं पाई आर स्क्वायर एच बाई 3, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है 4 by 3 पाई आर क्यूब. नाउ पाई by 3 एंड पाई by 3 गॉन, सो वी हैव 2 by 5 आर. देखो इस कोन का आर मैं बताता हूँ आपको, ये कोन का आर आप देख सकते हो दैट इज 2.5 द होल स्क्वायर इनटू हाइट कितना दिया हुआ है इसका 11 एन 4, और स्मॉल आर कितना है इसका है 0.25, इसका हम भेजेंगे क्यूब. चलो सो 2/5 इंटू 2.5 को हमको दो बार लिखना है 2/11 एन इंटू 4 इंटू 0.25 इंटू 0.25 इंटू 0.25. अब कैंसलेशंस अगर मैं करता भी हूँ तो देखो अगर मैं इसको बोलूँ कि भाई ये 25/10 है और वो 25/100 है तो वैसे भी हम करके कैंसिल कर सकते हैं. सो लेट मी डू दैट फर्स्ट. ये और ये तो क्लियर एंड कट कैंसिल हो गए आपके. तो जब ये कैंसिल होगा तो यहाँ अपॉन 10 बच जाएगा, मतलब वो अपॉन 10 सामने वाली साइड भी आ सकता है. सो यू विल बी लेफ्ट विद अपॉन 10 एंड अपॉन 10. अब व्हाट यू वांट टू कैंसिल इज, चलो हम फाइंड ही कर लेते हैं n 2/5. अब क्या बचा हमारा यहाँ पे 11 इंटू 10 इंटू 10 ऊपर आ जाएगा यहाँ पे, और कुछ है नहीं. अब डिवाइड होगा, एक होएगा 4 और एक और बचा है 0.25. ये सब जब हम कैलकुलेट करेंगे हमें n मिल जाएगा 5 1 5 2 नाउ 2 1 2 2 2 2 गॉन. सो अब मेरे पास बचा है 11 इंटू 10 अपॉन 0.25. सो हम 11 इंटू 10 25 इंटू 100 कर देंगे. सो ये और ये कैंसिल होएगा तो 4 हो जाएगा, 4 इलेवन्स आर 44 इंटू 10 440 आंसर आएगा. ओके सो दिस इज हाउ विल बी डूइंग इट. एंड द नेक्स्ट वन 20 दैट यू विल बी डूइंग इट योरसेल्फ. सो जस्ट गो थ्रू. Okay, so solve question number 10 to 20 and submit.